अनाथ बेटियों का प्लास्टिक बोतल घर। बहुत समय पहले की बात है, गंगापुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें मनोहर ही एक कमाने वाला था। मनोहर अपनी पत्नी सुषमा और अपनी दो बेटियां सुषमा और रानी के साथ रहता था। मनोहर ट्रेनों में पानी की बोतलें बेचा करता था। उससे उसकी जो भी कमाई होती, उसी से उसका घर का किसी तरह से गुजारा हो रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। लेकिन एक दिन जब मनोहर रोज की तरह पानी की बोतलें बेचने जाता है, पानी की बोतल ले लो, ठंडी ठंडी पानी की बोतल ले लो, लेकिन तभी मनोहर की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जो ट्रेन की पटरी के उस पार जाने की कोशिश कर रहा होता है। मनोहर यह देखकर बहुत घबरा जाता है और वह उस बच्चे को बचाने के लिए पटरी की तरफ भागने लगता है। तभी मनोहर को ट्रेन की आने की आवाज़ सुनाई देती है और मनोहर भागकर उस पटरी पर जाता है और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी वह देखता है कि ट्रेन उसके बहुत ही नज़दीक आ रही है। यह देखकर वह बहुत ही घबरा जाता है और वह उस बच्चे को दूसरी तरफ धक्का दे देता है और खुद उस ट्रेन के नीचे आ जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बात जैसे ही जानकी और उसकी बेटियों को पता चलती है, तो वे लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हम लोगों का क्या होगा? हमारी बेटियों का क्या होगा? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा तो सब कुछ ही खत्म हो गया। बाबा, ये आपको क्या हो गया? बाबा, उठो ना बाबा। मनोहर की मृत्यु के बाद उसका परिवार मुसीबतों के दलदल में फंस गया था, जिसमें से वे लोग जितना बाहर निकलना चाहते थे, उसमें उतना फंसते ही जा रहे थे, क्योंकि उनके घर का मनोहर ही एकमात्र सहारा था, जो कि अब इस दुनिया से चला गया था। और समय के साथ जानकी के घर का राशन भी खत्म होने लगा था। और एक सप्ताह बाद जानकी एकदम लाचार हो गई, क्योंकि ना तो उसके घर में अब कोई राशन बचा था और ना ही उसके पास राशन खरीदने के लिए पैसे बचे थे। यह सोचकर जानकी बहुत उदास हो जाती है कि अब वह अपनी बेटियों का पेट कैसे भरेगी। तभी जानकी सोचती है कि क्यों ना मैं भी कहीं काम ढूंढ लूं। तभी शाम हो जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जानकी अपनी बेटियों को लेकर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर उसके मकान मालिक की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ओ जानकी, जानकी कहाँ मर गई? तभी जानकी अपने मकान मालिक की आवाज़ सुनकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका मकान मालिक उसके घर पर किराया लेने आया होगा। लेकिन जानकी के पास तो इस समय खाने तक के पैसे नहीं थे, तो वह मकान मालिक को पैसे कहाँ से देती? यही सोचकर जानकी घबराते हुए गेट खोलती है और देखती है कि उसका मकान मालिक गुस्से से उसे घूर रहा होता है। और तभी वह कहती है, अरे जानकी, यह तो हद कर दी तूने। मतलब यह घर मेरा, किराया मेरा, और उसी को मांगने के लिए मुझे चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जैसे कि मैं इस घर की मालिक नहीं हूँ, तू ही इस घर की मालकिन है। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपका सारा किराया दे दूंगी। मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढकर आपका सारा किराया लौटा दूंगी। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत दे तो दूं? तेरे पति को तो जब से मोहलत ही तो दिया था, क्या हुआ, चला गया ना? अब मेरे पैसे कौन देगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे किराए के पैसे अभी चाहिए। अगर पैसे है तो दे, वरना अभी यह घर खाली कर। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए, मैं अपनी बेटियों को लेकर इस बारिश में कहाँ जाऊंगी? थोड़ी तो तरस खाइए हम पर, हमें इस घर से मत निकालिए। देख, यह नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मेरा घर अभी के अभी खाली कर। तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर अभी मेरे घर से निकल जाओ। और हाँ, इस घर का कोई भी सामान अपने साथ लेकर मत जाना, समझी? जानकी अपनी दोनों बेटियों के साथ उनके सामने हाथ जोड़कर गिरगिरा रही थी। आंटी, हमें घर से मत निकालो ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? अरे भार में जाओ तुम लोग, पर मेरे घर से निकलो अभी। कहते हैं ना, जब इंसान कठोर हो जाता है तो उसकी प्रेम भावना समाप्त हो जाती है। जब पैसे ही इंसान के लिए सब कुछ हो जाता है,
तब उस इंसान को किसी का दर्द, तकलीफ और बेवसी नजर नहीं आती है। जानकी अपनी बेटियों को लेकर उस तेज बारिश में निकलने पर मजबूर हो गई। जब वह लोग घर से बाहर निकल रहे थे, तभी उसके मकान मालिक की नज़र सुषमा के हाथों पर पड़ती है और वह देखती है कि सुषमा के हाथों में उसके पिता की तस्वीर होती है। यह देखकर उसकी मकान मालकिन चिल्लाते हुए बोलती है, अरे जानकी, तेरी बेटी तो बहुत ही बेशरम है। मैंने मना किया ना कि इस घर से कोई चीज नहीं ले जानी है, पर तेरी बेटी बेशरम की तरह यह तस्वीर लेकर कहाँ जा रही है? इधर दे ये तस्वीर। बेरहम मकान मालकिन ने सुषमा के हाथ से वह तस्वीर भी छीन ली और जमीन पर पटक दिया, जिससे कि वह तस्वीर का कांच वहीं टूटकर चूर चूर हो गया। यह देखकर जानकी और उसकी बेटियों के आंखों से आंसू आ जाता है। अब मुझे इस तरह देख क्या रही है? चल जा यहाँ से। जानकी अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़े समय बाद बारिश रुक जाती है। जानकी और उसकी बेटियां वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब तो उन लोगों को ऐसे ही इधर उधर अपना गुजारा करना था। अगले दिन जानकी काम ढूंढने जाती है और उसे किसी होटल में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है और जानकी रोज सुबह शाम काम पर जाती है और शाम को आती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन जब एक दिन जानकी शाम को काम करके वापस लौट रही थी, तभी वह देखती है कि एक लाल कलर की गाड़ी बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। जानकी जब तक कुछ समझ पाती, तब तक वह गाड़ी जानकी को कुचलकर जा चुकी होती है। जानकी वही तड़पती हुई अपनी बेटियों को याद करती है और वहीं पर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सुषमा यह खबर सुनकर रानी को लेकर भागते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ के बीच में उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी हुई थी। यह देखकर सुषमा और रानी की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और वह सोचते हैं कि अब वह लोग अनाथ हो गए हैं और उनकी आंखों से आंसू हमेशा बहते रहती है, लेकिन करे भी तो क्या करे, उन्हें जीना तो था ही ना। सुषमा रानी को लेकर गांव में घूम घूम कर भीख मांगा करती है, लेकिन उससे भी उसका क्या ही गुजारा होना था, क्योंकि गांव के कोई कोई लोग उन्हें भीख दे दिया करते थे तो कोई कोई उन्हें डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया करते थे। अरे हाथ पैर तो सलामत है, फिर भी भीख मांगनी है तुम लोगों को? कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, सुबह सुबह चले आते हैं भीख मांगने। उन दोनों बहनों ने काम की भी बहुत तलाश की, पर उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। और जब वह निराश होकर वापस लौट रही थी, तभी उनकी एक नज़र कवार चुनने वाले लड़के पर गई। यह देखकर वह दोनों बहन उस लड़के के पास जाती है और पूछती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। वह लड़का उन दोनों बहनों को सारी बातें बताता है कि कैसे वह कवार चुनकर बेचता है और अपना पेट भरता है। यह सुनकर वो दोनों बहनें भी अगले दिन से कवार चुनने का काम शुरू कर देती है। एक दिन ऐसे ही जब शाम हो जाती है, तो वे दोनों बहनें रोज की तरह कवार बेचकर किसी पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है। तभी फिर से एक बार बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर दोनों बहनें खड़ी हो जाती है और उस बारिश से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वे दोनों बहनें भीग ही रही होती है और उनके कपड़े भी पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। तभी रानी सुषमा से कहती है, दीदी यह बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुक जाएगी रानी, तू थोड़ी देर इंतजार और कर। पर बारिश नहीं रुकती है। अगले दिन जब सुबह होती है, तो सुषमा देखती है कि पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और रानी ठंड से कांपते हुए कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। यह सब देखकर सुषमा बहुत घबरा जाती है और किसी तरह से रानी को अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर रानी का चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहता है, बारिश में भीगने की वजह से इसे निमोनिया हो गया है। मैंने दवाई दे दी है, लेकिन ध्यान रखना, अगर ये दोबारा बारिश में भीगती है तो इसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यह सब सुनकर सुषमा बहुत डर जाती है, क्योंकि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वे लोग तो इधर उधर बैठकर अपना गुजारा कर रहे थे, तो ऐसे में वो अपनी बहन को बारिश से कैसे बचाएगी।
पर कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन जब सुषमा एक दिन कबाड़ की दुकान में कबाड़ बेचने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, और असलम भाई, इस कबाड़ के धंधे से तो तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है। मैंने सुना है तुमने अपना एक बड़ा सा घर खरीद लिया। कबाड़ से घर? यह सब देखकर सुषमा के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, जैसे कि वह अब अपनी बहन को बारिश में भीगने से बचा सकती थी। लेकिन उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह एक नया घर खरीद सके, लेकिन उसके दिमाग में एक तरकीब आता है और तभी वह वापस जाती है और अपनी बहन रानी से अपने तरकीब के बारे में बताती है। रानी, मेरी बहन, अब तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे लिए और अपने लिए एक घर बनाऊंगी। दीदी, पर आप घर कैसे बनाओगी? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, हम बिना पैसे के ही अपना घर बनाएंगे। पर कैसे दीदी? इन प्लास्टिक की बोतलों से हम लोग अपना घर बनाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी अब ऐसे रोड पर रहना अच्छा नहीं लगता और दोबारा से बारिश में भीग कर बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ। और देखो तो मेरी वजह से तुम कितनी परेशान हो गई हो। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, तू परेशान मत हो। और देखना, जब हमारा घर बन जाएगा तो हम लोग उस घर में आराम से रहेंगे और फिर ना तो कोई हमें उस घर से निकालेगा और ना ही तुम दोबारा बारिश में भीग कर बीमार पड़ोगी। अगले दिन से दोनों बहनें प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करती रही और उनके कड़ी मेहनत से 2 महीने बाद उनका प्लास्टिक के बोतलों का घर बनकर तैयार हो जाता है। दोनों बहनों की इस तरह मेहनत और लगन को देखकर गांव वाले उनकी खूब प्रशंसा करने लगे और जो भी उस घर को देखता वह हैरान हो जाता और उन दोनों बहनों की तारीफ करे बिना नहीं रह पाता। और अब वह दोनों अनाथ बहनें उसी घर में रहती है और कबाड़ चुनने का काम भी करती है। उन दोनों बहनों ने अपने हालात के आगे हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने बुरे वक्त को बदल दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।